तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो है वन प्लस के 11R जो डिवाइस है उसमें आपको ऑक्सीजन ओएस 15% बीटा टेस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। यस यहाँ पे न्यू अपडेट आ चुका है जो कि आपको अल्फा करके देखने को मिलेगा। सो इस तरह से अगर आपको अल्फा अपडेट करके अगर आपको लेना है या फिर आपके फोन पे देखने को मिल रहा है तो समझ लो ये ऑक्सीजन ओएस 15% है जो कि बीटा टेस्ट वर्जन पे आया है। सो ये आपके फोन पे कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो पूरा चीज इस वीडियो पे ये बात करने वाले हैं। ओके, पहले हम यहाँ पे क्राइटेरिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप जो है इस क्राइटेरिया के लिस्ट पे अगर आपके फोन शामिल नहीं है सो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 15% जो बीटा पे आया है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आप अपने फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्राइटेरिया के अंदर कंपल्सरी रहता है कि डिवाइस होना चाहिए। ओके, सो ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन जो बीटा वर्जन पे आया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया ये है कि आपके फोन पे ऑक्सीजन ओएस 14 इंस्टॉल किया होना चाहिए। ऑक्सीजन ओएस 14 पे जो उसके बाद जो आया था न्यू अपडेट, अब से पहले जो अपडेट आया था वो अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं सो पहले वो आपके फोन पे होना चाहिए। जैसे कि आपके आपको देखने को मिल रहा है 15, 16 या 20 MB करके आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरह से MB करके अगर आपके फोन पे अपडेट आया था सो वो अपडेट ऑलरेडी आपके फोन पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे सो आपको मिलने का चांस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्राइटेरिया है कि आपके फोन पे ऑक्सीजन ओएस 14 का न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड आपके फोन पे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन का, तो अभी तक लगभग जो है 4 डिवाइस में ही मिला है, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Note CE 4 Lite एंड OnePlus Note CE 4 पे, ये 4 डिवाइस में ही ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन अभी मिला है। एंड यहाँ पे OnePlus 11R को भी इस मंथ में ऐड कर चुका है। मैंने आपको पहले ही वीडियो दिया था यहाँ पे जो बताया था कि किस डिवाइस में यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से मिलेगा। सो फाइनली यहाँ पे अल्फा अपडेट करके आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन जो कि OnePlus 11R पे आ चुका है। सो यहाँ पे और क्राइटेरिया क्या है उस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे कि अप्लाई आपको कैसे करना है। सेकंड जो क्राइटेरिया है इसका ये है कि आप अप्लाई जो कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, सो 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ही आपको अप्लाई करना होगा। ओके, अगर आप इस डेट से बाहर अगर आप अप्लाई करते हैं सो वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो 12 से 14 तारीख के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। सो अभी आप वीडियो देखिए, जल्दी आपको अप्लाई कर देना है अगर आपके पास OnePlus 11 आया है तो, और ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन लेना चाहते हैं सो अप्लाई आपको कर देना है। ओके, एंड इसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे सो अप्लाई वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड दूसरा जो क्राइटेरिया है कि यहाँ पे सिर्फ, जैसे कि अगर यहाँ पे लोग जो अप्लाई करता है सो सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों को ही मिलेगा, यानी जो है 2000 यूजर्स को ही यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन बीटा वर्जन पे मिलने का चांस है। उससे ज्यादा अगर एक्सेस लोग अप्लाई करेगा सो वहां पे अप्रूवल नहीं होगा। ओके, सो इसलिए आपको जल्दी अप्लाई कर देना होगा। सो ये क्राइटेरिया रहता है, इसके अंदर होना चाहिए। एंड इसके अलावा भी कुछ रहता है, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है और यहाँ पे OnePlus का जो कम्युनिटी है उससे आपको ज्वाइन होना है फीडबैक शेयर करने के लिए। वहां पे शेयर करोगे, वहां पे अगर ज्वाइन रहोगे सो OnePlus जो है वो देखेगा कि जो अपडेट मैं यहाँ पे रोल आउट किया हूँ इस डिवाइस में सो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, सो आपको उसका फीडबैक वो देना होगा। वो फीडबैक लेने के लिए कम्युनिटी जो है रहता है वहां पे आपको ज्वाइन करना होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके इसके अंदर पूरा आपका डिवाइस है। सो अब आपका टाइम बचता है, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज बचता है आपको अप्लाई करना, तभी आप अपने फोन पे बीटा वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अप्लाई कैसे किया जाएगा उस चीज को समझ लो। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है पहले आपको फोन का सेटिंग पे आपको आ जाना है। ओके, यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सेटिंग। जैसे आप सर्च करोगे आपके फोन के फोन का जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको ये करना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है। ओके, अब यहाँ पे नीचे करना है अबाउट डिवाइस करके देखने को मिलेगा। जस्ट आपको अबाउट डिवाइस का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से पेज इस तरह से खाली आपको देखने को मिलेगा पूरा ब्लैंक करके। यहाँ पे आना है ऊपर की ओर, 3 डॉट आपको देखने को मिला है, जस्ट इसी 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को देख सकते हैं बीटा प्रोग्राम, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। ये कम्प्लीट होने के बाद आपके फोन पे कुछ इस तरह से आएगा एप्लीकेशन सबमिट करके, इस तरह से बस नीचे की ओर आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिला डन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। ओके, यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन बीटा के लिए अब वो आप अप्लाई
कर चुके हैं ओके। उसके बाद आपके फोन पे जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अल्फा अंडर रिव्यू करके। सो इस तरह से आपको भी देखने को मिल जाएगा अल्फा अंडर रिव्यू करके। सो अगर आपके फोन पे इस तरह से अंडर रिव्यू करके है तो समझ लो यहाँ से आप जो एप्लीकेशन सबमिट किए थे डन करके ऑप्शन आ सकता है। आपके फोन के सेटिंग पे आओगे सो वहां से हो सकता है सबमिट, या आपको सबमिट करके ऑप्शन देखने को, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ओके। सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे वहां पे क्लिक करोगे डन कर दोगे आपके फोन पे इस तरह से अल्फा करके आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से अंडर रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्रूवल। अप्रूवल करके आपको देखने को मिला है तो समझ लो आपके फोन पे ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन जो आप लेने के लिए अप्लाई किए थे वो एक्सेप्ट हो चुका है ओके। सो यहाँ पे कुछ टाइम ले सकता है, यहाँ पे कुछ घंटे ले सकता है या फिर कुछ ज्यादा ही टाइम ले सकता है इसको अप्रूवल होने के लिए, क्योंकि काफी सारे डिवाइस यहाँ पे एक साथ जाता है सो वहाँ पे कंपनी जो उस हिसाब से एक्सेप्ट करता है। सो गाइस आई होप कि आप समझ चुके हैं आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट जो आप अप्लाई किए हैं अप्रूवल हुआ है या नहीं, कितना साइज का है नहीं है, ये पूरा चीज आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां से हर एक चीज वन प्लस का अपडेट के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस होते रहता है। काफी सारे वन प्लस यूएस ज्वाइन है सो अगर आप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लेना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।